मेरे प्रिय साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं अपने बचपन के सहपाठी सुनीत सबरवाल का आपको एक आर्टिकल सुनाने जा रही हूँ। ये कहते, भैया एक बात का जवाब दो, आपको लगता है कि इनकम थोड़ी कम है, आपको लगता है कि सेविंग थोड़ी कम है, आपको लगता है कि गाड़ी थोड़ी छोटी है, आपको लगता है कि घर थोड़ा छोटा है। बोलो, ऐसा लगता है ना? हाँ, तो मेरा ये कहना है, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा आपको ही नहीं, मुकेश अंबानी को भी लगता है। तो टेंशन में ना रहो, उलझन में ना रहो, टेंशन में ना रहो, उलझन में ना रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो, मजे करो भैया और मौज में रहो, मजे करो भैया और मौज में रहो। आपको लगता है कि कमर थोड़ी मोटी है, आपको लगता है कि हाइट थोड़ी छोटी है, आपको लगता है कि पेट थोड़ा बड़ा है, आपको लगता है कि वेट थोड़ा बढ़ा है। बोलो, ऐसा लगता है ना? हाँ, ऐसा लगता है। तो मेरा ये कहना है, इसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको नहीं, ऐसा तो कटरीना कैफ को भी लगता है। इसलिए क्या करो, इसलिए दुखी ना रहो, टेंशन में ना रहो, दुखी ना रहो, टेंशन में ना रहो, टेंशन में ना रहो, उलझन में ना रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो, मजे करो बहना और आनंद में रहो, मजे करो महिला और आनंद में रहो। आपको लगता है कि सास मेरी लुच्ची है, आपको लगता है ननद बड़ी टुच्ची है, आपको लगता है जेठानी मेरी डायन है, आपको लगता है देवरानी मेरी नागिन है। बोलो, ऐसा लगता है ना? क्यों? हाँ, लगता है। तो मेरा ये कहना है, इसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा सिर्फ आपको ही नहीं, संसार की सारी महिलाओं को लगता है। इसलिए टेंशन में ना रहो, उलझन में ना रहो, टेंशन में ना रहो, उलझन में ना रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो, मजे करो बहना और आनंद में रहो, मजे करो महिला और आनंद में रहो, मजे करो औरतों और आनंद में रहो। आपको लगता है कि कोरोना ने बैंड बजाई है, आपको लगता है कि चाइना ने वाट लगाई है, आपको लगता है काम धंधे में बम्बू चल गया है, आपको लगता है आपको कोरोना लग गया है। बोलो, ऐसा लगता है ना? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। तो इसलिए ऐसा सिर्फ सारे संसार को लगता है। तो क्या करो, दुखी ना रहो, दुखी ना रहो, टेंशन में ना रहो, उलझन में ना रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो, मजे करो लोगों और आनंद में रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो, मौज करो भैया और आनंद में रहो, मौज करो बेटा और आनंद में रहो, मजे करो लोगों और आनंद में रहो। तो आप लोग को सुनीत सबरवाल का ये आर्टिकल कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।